हमारे पूरे आरक्षण की व्यवस्था के साथ बार बार मजाक होता रहा है। 8 लाख की लिमिट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अप्रॉक्सीमेटली देश के 98% लोग इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। इरादा बड़ा साधारण है, चुनाव आने वाले हैं, सिंहासन हिल रहा है। आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में दी गई थी वो थी केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। मूल भावना क्या थी कि जिनके साथ सैकड़ों हजारों साल तक अन्याय हुआ है, जिनको पूरी शिक्षा व्यवस्था और रोजगार से वंचित किया गया है, जिनके लिए था कि आप तो वेद पुराण सुन नहीं सकते, नहीं तो कान में सीसा घोल दिया जाएगा, उन लोगों को एक विशेष अवसर देने के लिए, एक तरह से जो ऐतिहासिक पाप था जो हिंदू समाज का, उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए व्यवस्था बनी थी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोगों को एक बराबर की भागीदारी देने के लिए बनी थी। बाद में इसका थोड़ा और एक्सटेंशन हो गया क्योंकि संविधान में एक और चीज़ कही गई थी कि इसके अलावा जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी दिया जाए, जिनको आजकल OBC कहा जाता है। अब उसको एक कदम और खींचा जा रहा है कि अब इसके अंदर जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उनको भी दे दिया जाए। ये व्यवस्था के तर्क को खींचने की कोशिश है और खींचते खींचते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है हर व्यवस्था जहां उसका कोई मतलब नहीं बचता। हमारे पूरे आरक्षण की व्यवस्था के साथ बार बार मजाक होता रहा है। दिक्कत यह है कि हमारे देश में दो बुनियादी चीज काम करती नहीं है और वो चूंकि काम नहीं करती इसलिए सारा का सारा बोझ इस आरक्षण पे आ जाता है। पहली बात, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, वो काम नहीं करती, बच्चों को ठीक शिक्षा नहीं मिलती। और दूसरी, हमारी जो रोजगार की व्यवस्था है, रोजगार मिलता नहीं है। इन दोनों के ना होने पे सबको लगता है कि हर समस्या का समाधान अब आरक्षण से निकलेगा, इसलिए हर दूसरे साल तीसरे साल आरक्षण के साथ कोई ना कोई मजाक, कोई ना कोई उसको खींचने की कोशिश होती है। अभी 10% की व्यवस्था है, देखिए इसका मतलब क्या है। आज 16% SC के लिए रिजर्व है, 8% ST के लिए रिजर्व है, 27% OBC के लिए रिजर्व है, हो गया 49। अब 51% पोजीशंस ओपन है सभी के लिए, जनरल के लिए भी, बाकी के लिए भी। उस 51 में से 10% को किया जा रहा है रिजर्व, जिसे गरीब कहा जा रहा है उसके लिए। अब जिसका मतलब है कि अब केवल 41% ओपन बचेंगी। आप कहाँ तक इस व्यवस्था को खींचेंगे, पहला सवाल तो ये है। और दूसरा और इससे भी ज़्यादा गंभीर सवाल जो इसको पूरा मजाक बना देता है वो ये है कि गरीब की परिभाषा क्या है। परिभाषा ये रखी है कि जिसकी 8 लाख तक इनकम हो या जिसके पास 5 एकड़ तक जमीन हो। देश के 86% जो किसान हैं उनकी जमीन 5% से 5 एकड़ से कम है, यानी कि सिर्फ टॉप 14% को ये रिजर्वेशन से बाहर रखा जाएगा, 86% उसके अंदर होंगे। ये 8 लाख की लिमिट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अप्रॉक्सीमेटली देश के 98% लोग इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। जो 51% ओपन पोजीशंस हैं उसमें से कम 20-25-30% नौकरियां ऑलरेडी उन लोगों को जा रही हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं और जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से नीचे है, वो तो लगभग सारे लोग हैं। तो जिसे ऑलरेडी 20% मिल रहा है उसको 10% कोटा देने से क्या फायदा होगा? गांव की अर्थव्यवस्था चौपट है, खेती किसानी में कोई नफा नहीं है
और इसलिए सबकी निगाह रहती है नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। नौकरी कैसे मिलेगी? आरक्षण से मिलेगी। इससे हमारी सारी आरक्षण की व्यवस्था का बात का बतंगड़ बन जाता है। हर 2-3 साल बाद इस तरह का कोई ना कोई नाटक होता है और सब पार्टियां बैठ के देखती हैं। अंत में ये गंदा काम कोर्ट को दे दिया जाता है कि अब आप रोको, रोकने का काम आप करो। इस पूरी व्यवस्था से ये जो सरकार ने डिक्लेरेशन की है उससे एक भी गरीब सवर्ण को नौकरी नहीं मिलेगी, एक को भी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट पहले देखेगा कि इसका कैसे विचार किया जाए, इसको कब एंटरटेन किया जाए। उसके बाद इतना बड़ा सवाल है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय करना चाहता है, इस केस को एडमिट करता है, जो शायद करेगा, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कोई छोटी नहीं होती, क्योंकि इससे पहले जो निर्णय दिया गया था वो 9 जज की बेंच ने दिया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि 9 जज की बेंच का निर्णय केवल 9 जज की बेंच ही खारिज कर सकती है, उससे भी बड़ी बेंच बनानी पड़ेगी। और वो बेंच का बैठना, सुनना, ये सब महीनों का काम है, कुछ दिनों का खेल नहीं है। आज की तारीख में जनरल वर्ग के ये जो 8 लाख से नीचे वाले लोग हैं उनको 5% है, 8% है, 10% है, कितना है आज रिप्रेजेंटेशन? जिसको बढ़ा के आप 10% करना चाह रहे हैं, कहीं नहीं दिया है। सरकार ने एक बार इस सवाल का जवाब नहीं दिया है, क्योंकि जब जवाब देंगे तो सारी चीज का पाखंड सामने आ जाएगा, इसका झूठ सामने आ जाएगा। बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में लगा है कि भाई ये जो हमारा ट्रेडिशनल वोटर था सवर्ण, ये हमसे दूर जा रहा है, किसी तरह से इनको कोई लॉलीपॉप पकड़ाओ, तो उसकी कोशिश है। अब मजे की बात यह है कि लॉलीपॉप दी नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जिसको ऑलरेडी 20-25% है उसको 10% दिया जा रहा है। तो कोशिश ये है कि इसके बहाने सवर्ण वोटर को बताया जाए कि हम तुम्हारे हैं, और इसीलिए 8 लाख जैसी एब्सर्ड लिमिट रखी गई है, ताकि किसी को ये महसूस ना हो कि भाई हम इससे बाहर हो। जो कुछ भी सरकार कर ले, एक भी पोस्ट का विज्ञापन तो रिलीज हो नहीं सकता। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद शायद एक कानून बनेगा, कानून नहीं तो कम से कम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर पूरे देश के डिपार्टमेंट्स में जाएगा, उसके आधार पर विज्ञापन निकलेंगे। लंबा काम है। जैसे सरकार का पाखंड है वैसे ही विपक्ष का पाखंड है। मैंने आपको बताया 2013-14 में क्या हुआ था, जाट आरक्षण के बारे में सरकार को पता था कि आरक्षण तो दे नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करेगा। विपक्ष को भी पता था कि नहीं हो सकता, तो सरकार ने कहा हम देंगे, विपक्ष ने कहा हम क्यों बुरे बने, देने दो, बाद में तो कैंसिल हो ही जाना है। अब उलट गया है, अब बीजेपी कह रही है कि हम करेंगे, विपक्ष कह रहा है कि हम क्यों बुरे बने, करने दो, हमारा क्या जाता है, दिखावे का खेल है। तो सरकार कुछ दिखाना चाहती है, विपक्ष कहता है हम भी दिखना चाहते हैं, तो सारा जिसे स्वांग कहते हैं ना, ये स्वांग हो रहा है, नौटंकी हो रही है। इसका किसी के कल्याण से, किसी के फायदे नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, ना सरकार का ना विपक्ष का। इरादा बड़ा साधारण है, चुनाव आने वाले हैं, सिंहासन हिल रहा है, 2 सवाल बड़े उठ रहे हैं और उन दोनों सवालों का जवाब नहीं है। पहला सवाल है खेती किसानी के संकट का। किसान दुखी है, किसान गुस्सा है, किसान वोट खिलाफ देने वाला है। और दूसरी तरफ रोजगार का सवाल उठ रहा है। रोजगार बढ़ नहीं रहा, वो तो एक बात थी, यहाँ तो घट रहा है रोजगार। ये खबर जितनी दबाने की कोशिश की दब नहीं रही है, ये खबर सामने आ रही है। तो जब इन दोनों से पिंड छुड़ाना है तो क्या करेंगे? कभी हिंदू मुसलमान, कहीं जाति का आरक्षण, कभी किसका आरक्षण? संसद है, नाटक चल रहा है, हर कोई नाटक देख रहा है, सब कोई प्रसन्न है, सिवाय उसके जिसे नौकरी नहीं, जिसको रोजगार नहीं। 24 लाख नौकरियां इस देश में फिलहाल वेकेंट है, पद रिक्त पड़े हैं सरकारों के पास। शुद्ध नाटक हो रहा है, राजनीति का जो विद्रूप है, राजनीति का जो पाखंड है,
जो दिवालियापन हमारी राजनीति का है वो दिखता है इसमें।